सो फाइनली दोस्तों सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म सफर जिसका इंतजार फैंस लोग बेसब्री से कर रहे हैं। वेल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा इसके दो तीन सॉन्ग आने वाले हैं, एक सलमान खान के साथ, एक सिमरन सिंह बग्गा के साथ रोमांटिक सॉन्ग। एंड वेल दोस्तों इसके टीजर की फाइनली ऑफिशियली रिलीज डेट आ चुकी है और आपको बता दूं कि अभी तक इसके दो तीन डेट आए हैं, अभी एक डेट कंफर्म नहीं, दो तीन डेट है, इन दो तीन डेट पे इसका टीजर आ सकता है एंड ये फिल्म दोस्तों इसी साल रिलीज होगी, लेट नहीं होगा। और ये भी बता दूं कि ये फिल्म ओटीटी पे तो बाद में आएगी, पहले थिएटर पे आएगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट करना एंड दोस्तों इसी तरह की खबरों से जुड़ने के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार देते रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो इस कदर मुझे प्यार कर रहे हो, मेरे वीडियो को भर भर के प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि हर वो एक बंदा, आप सभी भाई लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, भर भर के लाइक कर रहे हो और मैं सबको तहे दिल से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं एंड थैंक यू यार, इसी तरह प्यार बनाए रखो दोस्तों। और मुझे पता है कि आप मेरी अपडेट को हमेशा देखते हो, जैसी मेरी वीडियो आती है वैसी देखना शुरू कर देते हो, तो इसके लिए आप सभी लोगों को सलाम करता हूं मैं। सो वेल दोस्तों सफर मूवी एक ऐसी मूवी दोस्तों जिसके प्रोड्यूसर जो है विशाल राणा है एंड ये फिल्म ओम चंगानी फिल्म्स एंड एनकेलन करके, यार पता है नाम भी अजीब सा है, एनकेलन प्रोडक्शन हाउस से बेसिकली बन रही है। और आपको बता दूं कि भैया इस फिल्म का बजट मात्र 65 से 70 करोड़ के बीच है। ये रीमेक फिल्म है, आपको बता दूं कि मराठी फिल्म आई थी, मराठी फिल्म का ही एक रीमेक फिल्म है और इस फिल्म के अंदर जो ये जोनर है बेसिकली इसमें एक्शन बहुत कम होगा लेकिन इस फिल्म के अंदर इमोशंस, ड्रामा, रोमांटिक और फैमिली फिल्म है एंड फैमिली कैन एंजॉय दोस्तों, बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन इस फिल्म का मैसेज जो है, इस फिल्म की जो कहानी है, कहा जा रहा है कि बहुत ही लाजवाब है। एक ऐसे बंदे की लाइफ की जर्नी की कहानी है, बेसिकली स्टोरी ऑफ लाइफ की कहानी है जहाँ पर दोस्तों वो जीना सिखाता है, हर पल में कैसे जिया जाए, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद करता है। और ये फिल्म वाकई में दोस्तों हो सकता है कि क्या पता इस फिल्म को ऑस्कर भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टोरी बड़ी लाजवाब है। इस फिल्म को बता दूं कि शशांक उदरपुरकर जो डायरेक्टर है, ओरिजिनल फिल्म के भी डायरेक्टर यही थे, उन्होंने प्ले भी किया था उस फिल्म के अंदर, हो सकता है कि इस फिल्म के अंदर वो प्ले भी करे एज एक्टर एंड ऑफ कोर्स यार देखो यार डायरेक्टर भी है वो, इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया हुआ है। साथ ही साथ इस फिल्म का जनवरी एंड में दोस्तों इसका शूटिंग रैप हो चुका है, आपको बता दूं। साथ ही साथ इसके अंदर एक कैमियो में नज़र आएंगे सलमान खान, एक दिन का शूट था और जनवरी मिड में उनका शूट था और कहा जा रहा था कि सलमान खान जो है बेसिकली उस फिल्म के अंदर सलमान खान ही है एज ए बींग सलमान खान, जी हाँ। तो इसके अंदर ये हो सकता है कि ऑफकोर्स सन्नी देओल को जो है इस कहानी के अंदर सलमान खान या तो उनके मित्र होते होंगे या फिर दोस्तों सलमान खान का एक गेस्ट अपीयरेंस इस मूवी के अंदर है। तो ऑफ कोर्स यार अगर सलमान खान का गेस्ट अपीयरेंस है तो ये फिल्म में मुझे नहीं लगता कि ये ओटीटी पे आएगी, ओटीटी पे बाद में आएगी, पहले थिएटर रिलीज होगा दोस्तों, क्योंकि ऑफ कोर्स यार अभी सन्नी देओल बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं। और इस बीच दोस्तों हालांकि चुप फिल्म भी पहले थिएटर पे आई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसकी कहानी बड़ी अच्छी थी लोगों को। और ये भी कहानी दोस्तों कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी, सफर की कहानी बहुत ही लाजवाब है एंड जनता को, फैमिली को पसंद आने वाली है। और इस बार हमारे सन्नी देओल जो है हमारी आंखों से आंसू निकाल देंगे क्योंकि बहुत ही इमोशनल है। सन्नी देओल के साथ इसमें नजर आएंगे क्या बोलते हैं सिमरन सिंह बग्गा जो कि मेन अपोजिट भूमिका में है सन्नी देओल के, दर्शन जारीवाल जो कि अजब प्रेम गजब कहानी है, इतना अजब प्रेम की गजब कहानी रणबीर कपूर में जो उसके पिताजी बने थे दर्शन जारीवाल वो नजर आएंगे। इसके साथ शशांक उदरपुरकर भी है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर सलमान खान है। तो अभी तक एक चीज़ अभी सामने नहीं आई है इस फिल्म की, सब कुछ प्लॉट व्लॉट सब कुछ खत्म हो चुका है, शूटिंग रैप हो गई है, विलन कौन है यार? देखो यार मैंने जैसा पहले बताया था दोस्तों, आप सच मानो इसको, वाकई में इसमें एक्शन बहुत कम है, मतलब एक्शन बिल्कुल ना के बराबर होगा। ये फिल्म ड्रामा इमोशनल ज़्यादा है दोस्तों, हो सकता है कि ये फैमिली फिल्म बन जाए लेकिन एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी चिंता है कि एक्शन नहीं होगा तो क्या सन्नी देओल की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो खूंखार वो रोड कर पाएगी या एक नॉर्मल डिसेंट सा अंदाज में ही चलेगी, कलेक्शंस भी एवरेज बटोरेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सफर मूवी को लेकर मेरे मन में एक ख्याल है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर इस फिल्म का
कहीं ना कहीं दोस्तों फ्लॉप होने के चांस भी हो सकते हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा एक्शन तो होना ही चाहिए। लेकिन एक्शंस की बात की जाए तो यार कुछ ग्लिम्स नज़र नहीं आया, कुछ टीजर नहीं आया अभी तक। हम ये 2-2.5 घंटे की फिल्म है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया इस फिल्म को लेकर। सिर्फ और सिर्फ हमने जो देखा है, जो मैंने देखा था, मैंने शेयर भी किया था आपको कि सिमरन सिंह बग्गा के साथ बीच पर कई फोटोज़ वायरल हुई, मनाली में उनका शूट था वो वायरल हुई तस्वीरें। लेकिन दोस्तों विलन के साथ उनका एक फाइटिंग सीन्स या कोई एक्शन सीन्स कुछ भी रिवील नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर एक्शन ना के बराबर लग रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो सफ़र मूवी है, सोशल मीडिया पे मैं बड़ा देख रहा हूँ कि यार सॉन्ग्स को लेके बड़ा अपडेट आ रहा है। एंड इसके जो सॉन्ग्स है सफ़र मूवी के, पहला सॉन्ग तो सलमान खान के साथ कहा जा रहा है कि एक दो सॉन्ग है जो कि पहला सॉन्ग है भैया झूमे जरा करके, सलमान खान के साथ आइटम सॉन्ग होने वाला, डीजे टाइप ऑफ सॉन्ग जो कि पार्टी में शादी ब्याह में बजने वाला सॉन्ग है, और जो कि सोशल मीडिया पर लोग इसकी अपडेट भी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और सॉन्ग मौर्या करके सॉन्ग है जो सलमान खान के साथ ये भी फिल्माया गया है। लेकिन दोस्तों देखो यार सोशल पे तो बहुत ट्रेंड हो रहा है, लेकिन सच्ची बताऊं तो अभी तक मेरे पास ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है सफर मूवी को लेकर, झूमे जरा एंड मौर्या सलमान खान के साथ। और एक सॉन्ग मैं और देख रहा हूं, रोमांटिक सॉन्ग है सिमरन सिंह बग्गा के साथ। हालांकि सिमरन सिंह बग्गा पूरे नॉर्थ में साउथ में फेमस है, उन्होंने साउथ में अल्लू अर्जुन क्या बोलते हैं विजय थलापति सबके साथ, मतलब पुराने अगर बात की जाए ना 90s के भी स्टारों के साथ साउथ के साथ काम किया हुआ है। हालांकि उनकी थोड़ी एज नज़र आती है, लेकिन ऑफ कोर्स यार वो बेहद ही खूबसूरत है और उनके साथ काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। अभी हाल ही एक वेब सीरीज़ थी मनोज वाजपेयी के साथ, तो उस वेब सीरीज़ के अंदर वो नज़र आई, ठीक है। तो उनकी भी एक रोमांटिक सॉन्ग आ रही है, दोनों को लेकर सॉन्ग का नाम है दोस्तों नज़र ना लगे, नज़र ना लगे सॉन्ग। तो ये सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि बड़े चर्चा का विषय बनी हुई है, महफिल लूट रही है। और ऑफ कोर्स यार अगर ये सॉन्ग है तो डेफिनेटली माहौल बन जाएगा। हालांकि सफ़र मूवी के लिए फैंस लोग एक्साइटेड है एंड बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है सफ़र मूवी के रिलीज डेट को लेकर, सफ़र मूवी के क्या बोलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर, एडवांस बुकिंग को लेकर, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसके सॉन्ग को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पुरानी फिल्म थी ओरिजिनल, उस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले गए, कई फिल्म फेस्टिवल में वो स्क्रीनिंग की गई, उसको अवार्ड्स से सम्मानित भी किया गया। शशांक उदरपुरकर ने काफ़ी अच्छा इस फिल्म को बनाया हुआ है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि सफ़र मूवी को लेकर एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसकी वजह से इस मूवी को सबसे ज़्यादा हाइप देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन लीडर लोगों ने काफ़ी तंज कसा सनी देओल पे और बोला कि यार क्या यार बीच सड़क पर ये शराब पी कर घूमता रहता है, जबकि मैंने उसी दिन ही बोला था कि जो सनी देओल है वो शराब नहीं पीते हैं और ये ज़रूर एक फिल्म का सीन होगा। और दोस्तों शाम तक जितने भी लीडर लोग थे अपोजिशन पार्टी के और तमाम हेटर लोग, बाद में जब ये सनी देओल ने खुद रिवील किया कि ये जो फोटो है दोस्तों, तस्वीरें जो थी वीडियो शूट की थी फिल्म की थी, और जो लोग ने तंज कसा था, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। तो वेल दोस्तों सफर मूवी की हाइप बनी हुई है। रही बात टीजर की, तो इसके 2-3 टीजर आने की उम्मीद है। पहला टीजर जो ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च में टीजर देखने को मिल सकता है। ये फैमिली फिल्म है, यूएस सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड इसका टीजर ऑफकोर्स कहा जा रहा है कि 2.5 मिनट का टीजर लगभग लॉन्ग टीजर होगा। सो दोस्तों क्या लगता है ट्रेलर के लिए, आर यू एक्साइटेड ये फिल्म रिलीज कब होगी? तो देखो फिल्म तो 2024 में रिलीज होगी दोस्तों, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आए, बट मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि टीजर अगर मार्च में आता है, ऑफकोर्स इस फिल्म लाहौर 1947 तो इस साल नहीं आएगी, बट ऑफकोर्स मुझे लगता है कि शायद ये फिल्म जो है ऑलमोस्ट जुलाई के आसपास सफ़र मूवी आ सकती है। और सफ़र मूवी का प्री प्रोडक्शंस एंड पोस्ट प्रोडक्शंस बहुत आर कंप्लीटेड एंड जुलाई में फिल्म आती है तो डेफिनेटली जून के एंड तक इसका ट्रेलर आ सकता है एंड मार्च में इसका फर्स्ट टीजर आएगा और अप्रैल में 2 टीजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुल मिला के सफर मूवी को लेकर अपडेट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था एंड ऑफ कोर्स यार इसके सॉन्ग को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। सो दोस्तों क्या लगता है सनी देओल की सॉन्ग्स के लिए, आर यू एक्साइटेड? क्या ये फिल्म वाकई में 500 करोड़ पार कर पाएगी? अगर एक्शन नहीं हुआ तो भी
मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है यार, थोड़ा बहुत लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? एंड दोस्तों क्या लगता है, ये फिल्म सबके झंडे गाड़ पाएगी, रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, सबकी RIP कर पाएगी? दोस्तों कमेंट करके बताओ, एंड आर यू एक्साइटेड फॉर द सफर मूवी? इसके अलावा सनी देओल की और भी फिल्में पाइपलाइन में, लाहौर 1947, बाप, यमला पगला दीवाना, उसके बाद हाउसफुल 5, उसके बाद रामायण, बहुत सारी, थक जाओगे गिन गिन के हेटर लोगों। लाइक कमेंट करो, अपने भाई ने भी चौधरी प्यार दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लव यू ऑल, कमेंट करो भाई भर भर के।